सारा फर्नीचर एकदम नया है, कम इस्तेमाल हुआ है, तो थोड़ी बोली सोच समझ कर लगाइएगा आप लोग। तो शुरू करें? हाँ लगा, अच्छे से बोली लगा। चालीस हजार, पचास हजार, शाबाश, साठ हजार, साठ हजार एक, साठ हजार दो, साठ हजार तीन। मिस्टर पारिक, कंग्रेचुलेशंस, फर्नीचर आपका हुआ। नक्कद मोटी बहन। अब बारी है यहाँ पे किचन के आइटम्स की, शुरू करें। ये तुम्हारे हिस्से के पैसे। जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई। तुम कितनी भी दौलत ले आओ, लेकिन इस कमला की रसोई की कीमत कभी नहीं चुका पा। और इन चंद पैसों के लिए तुमने अपने सपने को बेच दिया। बहुत घाटे का सपना किया है तुमने। जो घाटे का सौदा किया है तुमने। जो पापा, पापा, अरे आ रहा हूं, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। आऊं ने तेरे लिए तेरा पसंदीदा जलेबी और फाफड़ा लाकर रखा था। इशिका ये क्या है? शिकायत संभाल कर लगी तो नहीं? नहीं। शिकायत, शिकायत, स्टॉप इट। शिकायत, ये क्या पागलपन है? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो, और ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? वही करो तुम। तुमसे ना बात करना ही बेकार। ना बात करना बेकार है ना, तो आंखों पर पट्टी मत बांधो, मुंह पर बांधो। नहीं, वो ढाबा बंद हो गया है ना, तो पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। चलो अच्छा है। इशिका तैयार थी दीदी? जी मम्मी जी। भगवान की पवित्र आरती है ये, धोखेबाजों के हाथों से नहीं ले सकता।
रुपेंद्र दिख रहा, अगर तूने अपना ये रूप पहले ही दिखा दिया होता ना, तो ये बेलगाम घोड़ी की लगाम आज तेरे हाथ में होती। लेकिन कोई बात नहीं, वो दिख रहा जब से जागे तब से सवेरा। क्यों चला जा, नाश्ता करते हैं। दिन ब दिन इनकी दूरियां बढ़ती जा रही, इनको पास लाने के लिए इनका एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है, पर कैसे? ये बोले ना चलते रहे मेरे मुंह और हाथ। ये धाबा बंद होने पे इसी का भाव खिला रही है पराठा और साग है। किंजल बहन अपने भाई को सर्व कर दीजिए। किसी का वो, यह रूपेंद्र सिर्फ किंजल का भाई नहीं है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हें इसे परोसना चाहिए। चीफ आई का तो देख ही रही, पति होने का कितना फर्ज निभा रहा है। अब तो बस हाथ पकड़ के जबरदस्ती सर्व करवाना ही बचा। जी वो आज रावल भाई के गांव से अनाज की बोरियां आने वाली है। हर साल तो आप हिसाब करते हैं, तो मैं सोच रही थी कि इस साल रूपेंद्र से करवा ले, वैसे भी वो अब घर की जिम्मेदारियां संभालने लगा है। तरस बोली तो ये रावल भाई जो हैं, इनके साथ लेन देन का रिश्ता हमारा परसों का है, अब गाँव की जगह तू करेगा ये सारे काम, तो ये देखकर उन्हें खुशी होगी। जी वो मैं देखता हूं। आइए। जय अम्बे डीएसपी साहब, गांव की पंचायत लगी है एक गंभीर मामले को लेकर, और सरपंच जी ने आपको सलाह के लिए बुलाया है, तो आपको जल्दी चलना पड़ेगा अभी के अभी। आऊं जाकर आता हूं। पापा आप अकेले जाएंगे तो फिर कहीं शराब पीने ना। मुझे पापा को अकेला छोड़ना होगा, तभी पता चलेगा कि मेरे उनके साथ ना रहने से वो शराब पीने जाते हैं या नहीं। चलो चलो। नहीं पापा आप अब जाइए, आप ये पंचायत का मसला निपटा लीजिए, मैं रावल जी के साथ अनाज का हिसाब समझ लूंगा। ठीक है भैया, क्या कराता हूँ। चलो। भगवान भी दिल की बात सुन ही लेते, यही सही मौका है रूप और ऋषिका के लिए, अभी दोनों अकेले साथ में समय बिताए तो अच्छा है, बस भगवान करे उनकी आपसी समस्या निपट जाए। किंजल सब्जी लेते आना। हाँ हाँ माई, पायल के पास जा रही हूँ ना नोट्स लेने, आते समय सब्जियां ले आऊंगी। ठीक है। जय जय। अरे कमला रानी, मैं भी मंदिर होके आती हूँ। रूप, इशिका, तुम दोनों ने विया करके एक दूसरे के साथ प्यार से जीवन बिताने का निर्णय लिया था ना, तो फिर अब एक दूसरे पे ऐसे शब्दों की वार क्यों कर रहे हो? ताना मारने से समस्या हल नहीं होती, बात करने से होती है समस्या। वरना आज इनके मतभेद कल इनके मनभेद बन जाएंगे। राम राम काका। राम राम जमशेर भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। जमशेर भाई, ये छोरा इस छोरी से प्यार करे और इससे विवाह करना चाहे, और इस छोरे के बड़े भाई ने इस छोरी के बड़े भाई की हत्या कर दी। अब ऐसी स्थिति में विवाह करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। शमशेर भाई,
हम सभी पंच इस पर सोच विचार करें। आपकी राय भी जरूरी है क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा। शमशेर भाई आप डीएसपी हैं, अब आप ही कोई राय सुझाइए। अरे ये क्या सुलझाएंगे, बातें शमशेर अकेला से क्यों पूछ रहे हो, जो खुद अपने घर की बेटी का प्रेम लगन करवा चुके। अरे रूपेंद्र, इशिका देखो हमारे घर कौन आया है। मिस्टर खड़ूस बुलाया ना मुझे, अब बताता हूं। बेटा ये मिस नक्चड़ी हैं, इनकी याददाश्त थोड़ी नहीं, बहुत कमजोर। मेरा नाम रुपेंद्र है, क्या नाम है? रुपेंद्र। वेरी गुड, मुझसे दोस्ती करोगे? अरे चीकू, इतनी जल्दी दोस्ती थोड़ी ना होती है। हम दोनों मेरे कमरे में जाएंगे, फिर ढेर सारी बातें करेंगे, फिर स्लोली स्लोली फ्रेंडशिप होगी, है ना? तो चले। उनसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। अरे ये तो बिन पहन के लोटे हैं। हाँ कभी इधर तो कभी उधर। अरे ये तो खुद अपनी इज्जत आबरू लुटा के बैठा है, ये हमें क्या रास्ता दिखाएगा? चीकू, चीकू रुक जाओ बेटा, चीकू आप कब से भाग रहे हो? चीकू रुको। अरे रुक जा मेरे बाप, कितना भगाएगा, रुक जा। बाप, मैं इतनी छोटी उम्र में बाप कैसे बन सकता हूँ? उसकी मर्जी। ये बहुत गलत सीख है, ऐसी आदतों को बचपन में जड़ से खत्म कर देना चाहिए। गलत सीख नहीं, गलत सोच। उसको इसके साथ खेलना है तो खेल ले, वो खेले। बस 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 एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पर मुझे कानूनी राय देने के लिए बुलाया गया है और आऊँ यहाँ पर अपना काम ही कर रहा हूँ। ये दोनों बालिग हैं और कानूनी तौर पर इन्हें पूरा अधिकार है शादी करने का। अरे ऐसे प्यार का क्या करोगे जब इस समाज में इज्जत ही नहीं रहेगी तो? ये सही है, इज्जत और आबरू हमारे लिए कानून से बड़ी है। हम पांच नेहा और श्याम के प्रेम को देखते हुए और उनके परिवार और समाज के विरोध को देखते हुए कुछ फैसला सुनाएंगे। अब से ठीक एक घंटे के बाद फिर मिलते हैं जयराम जी। अब पता नहीं क्या फैसला होगा, लेकिन दिनेश भाई ठीक कह रहे हैं, जो होगा होगा यार। भाग क्यों रहे हो शिव, जवाब दो। जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या उन्हें भी तुम ऐसा बना दोगी? बिल्कुल वैसा बना दूंगी जैसे मेरा पहले वाला रूप था।
उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। जो उसका मन करेगा वो करने की उसे पूरी इजाजत दूंगी। खैर, हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे? जिस तरीके से हमारा झगड़ा चल रहा है, बच्चा तो होने से रहा। अपने बच्चे को ऐसी दुनिया देंगे, ऐसी लड़ाई झगड़े वाली, ऐसे परवरिश करेंगे उसकी? क्या हमारे फ्यूचर में ऐसे ही लड़ना झगड़ना लिखा है? ये ठीक नहीं है। मुझे ऐशिका को सब सच बता देना चाहिए। आपका फैसला सुनाने से पहले क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? कहिए। अगर आज इस मुकदमे का फैसला तुम्हारे हक में हो गया ना, जो कि शमशेर जी की बात सुनकर लग भी रहा है कि हो जाएगा, और अगर हो सके ना तो इनके नाम का मंदिर जरूर बनवाना, क्योंकि ये है हमारे गांव के नए रूप। जडेश, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई गांव वालों। हम हमेशा से देखते आए हैं कि बेटा बाप की तरह बनता है, लेकिन यहां देखिए, यहां तो एक बाप अपने बेटे की तरह बन गया। वही बेटा, वही रूप, जो अपने घर की मान मर्यादा, उनकी इज्जत की परवाह भी नहीं करता। अरे वो जो चाहे वो करता है। अरे इनके बढ़ावा देने की वजह से तो इनकी बेटी मेरे परिवार पर कभी ना मिटने वाला दाग छोड़कर चली गई, वरना उसकी इतनी हिम्मत की वो ऐसे भागती? बस मेरे घर में कुछ नहीं बदला है। कल भी मेरी चलती थी, आज भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। आज मेरे लिए मेरे घर में परिवार की इज्जत मान मर्यादा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, फिर साबित कर दीजिए कि आप मुझे और मेरे परिवार को उनकी खोई हुई बहू लौटा सकते हैं। क्या आप जिग्ना को मेरी पत्नी बनाकर वापस भेज सकते हैं? अरे जाने दीजिए डीएसपी साहब, इतनी बड़ी बड़ी मत हाकिए। अगर आपने अपने दिल को मना भी लिया तो क्या आपका बेटा आपका इस बात पे साथ देगा? बताइए। हम कब तक ऐसे झगड़ते रहेंगे ईशिका? कभी ना कभी तो खत्म करना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? अगर ठीक से समझाऊंगा तो समझ भी जाएगी, और पापा की तबीयत ठीक करने में मेरी हेल्प भी करेगी। कौन? तुम्हारी इस एक मुस्कान के लिए तरस गई थी रू। It feels so blissful. I wish. फिर से तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो और ये दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। I can't stay without you, Ru. मुझे तुमसे कुछ कहना। खत्म करते हैं कैसे? रूपेंद्र जल्दी बाहर आ। पंचायत का है। उपेंद्र भाई, आपको पंचायत में बुलाया है। लेकिन पापा तो सुबह से पंचायत में ही है। पापा ठीक है ना? उन्होंने ही आपको पंचायत में बुलाया। हम सब भी साथ चलते हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मम्मी, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इन्होंने बताया ना कि पापा बिल्कुल ठीक है, तो खुशी लबिन बोली ने। उपेंद्र, कमला रानी ठीक कह रही है, हमको साथ आने दे। इशिका, मैं जयंती को बोल देती हूँ, वो चीकू को ले जाएगी। हाँ नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, जयंती काकी का मैं वेट कर लेती हूँ, फिर आ जाऊंगी। हाँ हलो हलो, जल्दी चलती हूँ।
पापा सब ठीक है ना? क्या हुआ? ये देख आ गया मेरा बेटा, मेरा रुपेंद्र। अब कर ऐलान तू। शमशेर सिंह वाघेला ने डंके की चोट पे यह ऐलान किया है कि तुम जिग्ना और अनीश का तलाक करवाकर उसे वापस उसके असली पति यानी मेरे पास भेजोगे। हाय और आऊं भी डंके के चोट पर बोलता हूं कि रुपेंद्र मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरा खून। वो बाप के वचन को कभी खाली नहीं जाने देगा। देख रुपेंद्र, लेकिन पापा हम जिग्ना बहन को दिनेश के पास अब कैसे भेज सकते हैं? जिग्ना बहन और अनीश जी की शादी हो चुकी है, पर कानूनी तौर पे उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इशिका, मैं बात कर रहा हूँ पापा से। अरे आपका बेटा ना कभी आपके साथ था और ना कभी रहेगा। ये हमारा फैमिली मैटर है तो हम घर चल के बात कर सकते हैं इसके बारे में। बोलो, जो बात पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बन गई है उसके बारे में रुपेंद्र को घर में जाकर कोने में बैठकर बात करनी है? ऐसे आंखें बंद करके बिल्ली की तरह दूध पीकर अपने आप को निर्दोष समझना ना सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है रुपेंद्र। अरे चुप कर, ये फैसला होगा अभी होगा, यहाँ होगा, सबके सामने होगा। अब मेरा बेटा करेगा फैसला। रुपेंद्र, बाकी इज्जत रखेगा ना तू? देख अगर तू साथ नहीं देगा तो हम यही समझूंगा कि इससे पहले जो तू साथ दे रहा था वो हम को धोखा दे रहा था। बहुत मुश्किल से जिग्ना बहन की जिंदगी में खुशियां आई, उनसे ये खुशियां मत छीनो। और दिनेश ने जिग्ना बहन को सिर्फ दुख ही दिया है, कभी खुशी नहीं थी। सच को देखो रो, किसी की बात सुनकर इमोशनल होकर डिसीजन मत लो। अनीश जी, क्या हुआ? अनीश जी, आप इमोशनल क्यों हो गए? इमोशनल नहीं, थोड़ा चिंता में जरूर। रूपा पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। अगर वो नहीं आया तो? नहीं अनीश जी, मेरा भाई चाहे कितना भी बदल जाए पर अपनी बहनों के लिए जो उसका प्यार है ना, वो कभी नहीं बदल सकता। और मुझे पूरा यकीन है रूप को ये दिन याद भी होगा और वो यहाँ आएगा भी। छोरी, बाप और बेटे के बीच में मत आ, जा जा के जनानियों के बीच में जाकर खड़ी हो। आओ बोला हूँ, जा। होगी, सारी तैयारियां होगी। एक चीज अभी भी बाकी है। ये हम हैं, खुश हैं, सुखी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ रूप की वजह से मुमकिन हुआ है। जो भी स्ट्रेस है उसे इमीडिएट खत्म करना होगा।
इतने दिनों से लगातार पीने की वजह से उनके लीवर पर सूजन आई है और इस तरह का ड्रिंकिंग करना उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तेरे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। बोल, क्या फैसला तेरा? अरे आपका बेटा कुछ नहीं बोलेगा। आपको दिख नहीं रही अपनी पत्नी की बातों में जो आ गया है? इसकी चुप्पी एकदम चिल्ला चिल्ला के इसका फैसला सुना रही है। अभी आपका साथ देने वाला नहीं। भूपेंद्र ये गिफ्ट तो रूप को मैं ही दूंगा। अनिशित, वापस उनके पहले पति दिनेश के पास लौटाऊंगा। अनिशा, I'm sorry, वो मेरा पैर स्लिप हो गया और ये सब खराब हो गया। Don't worry. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ठीक ना हो सके। पर अनिश जी, 10 मिनट्स, मैं अभी इसे ठीक करके लाता हूँ। ओके? अरे सुन लिया तूने? माय प्लीज अपने आप को संभालिए प्लीज। माय कुशल पे आज तूने अपने बाप की इज्जत रख ली रहे। करना तो बता दिया तो मेरा बेटा है, तेरी जगह में तेरे बाप का ही खून है। शाबाश। मैं आप सबके सामने हाथ छोड़ती हूँ। आप प्लीज सही फैसला लीजिए। ये फैसला सही नहीं है।